हेलो दोस्तों, साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक का नाम है डीमार्ट। डीमार्ट शेयर के बारे में हम बात करेंगे, कैसा रहेगा मूवमेंट और कैसा रहेगा चार्ट। अभी डीमार्ट का जो चार्ट देख पा रहे हैं, ये हुआ वनडे कैंडल चार्ट है। वनडे कैंडल चार्ट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 6000 के आसपास हाई बनाया था, और 6000 के आसपास हाई बना के यहाँ से गिरावट लगातार गिरावट हो के यहाँ पर 4391 के पास क्लोजिंग दिया हुआ है। मैंने कम से कम वो ये 2000 पॉइंट का गिरावट हो चुका है अभी तक। और यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल देख पा रहे हैं, जो वनडे कैंडल का सपोर्ट है, तो यहीं पर है। देखो यहाँ से लेके यहाँ दोबारा सपोर्ट जोन के आसपास जा रहा है, यानी 4000 के आसपास सपोर्ट है। तो हमको ये सपोर्ट जोन में ही एंट्री मारना है हमको, और क्या कैसे, और CNC में, यानी कैश एंड कैरी करके होल्डिंग पोजीशन लेके यहाँ से हम होल्डिंग लेना है। और देखिए हर सपोर्ट के आसपास यहाँ से डबल मूवमेंट हुआ है, डबल मूवमेंट, और यहाँ से होल्डिंग करिए 4000 के आसपास में, और यहाँ से बढ़िया मूवमेंट रहेगा। तो ये हो गया। तो अभी हम देख पा रहे जो प्राइस चल रहा है 4391 के आसपास में आज बहुत बड़ा ब्रेकआउट गिरावट दिया हुआ है, और यहीं आसपास में आप ख़रीदना है। कम से कम आपको टारगेट अगर बता दिया जाएगा तो 5000 प्लस जो हाई बने उससे भी प्लस टारगेट बनेगा। ये डीमार्ट कंपनी है, एवेन्यू सुपरमार्केट जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, जो मॉल में जो सामान बेचते हैं उन लोग सामान बेचते हैं। तो इस गिरावट के कारण नहीं है, ये करेक्शन है, साइड करेक्शन है। जब हाई मार्केट जाता है तब करेक्शन आता है, करेक्शन आने के बाद यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास यहीं पर, यानी 4000 के आसपास रुकेगा। आप यहाँ पर एंट्री मारिए, एंट्री मारने से आपको कम से कम 5000 प्लस आपको प्रॉफिट टारगेट मिल जाएगा सर। और RSI हम देखा जाए तो RSI अभी 47 में है, जो बहुत बढ़िया एंट्री जोन में। RSI एंट्री मारिए, RSI बहुत बढ़िया सपोर्ट में है, और यहाँ से ट्रेड वॉल्यूम कम हुआ है इसी कारण यहाँ पर ज़्यादा। जब ग्रीन वॉल्यूम आ जाएगा तो वहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट यहीं से देखने को मिलेगा। तो ये रहा और डीमार्ट कंपनी का जो पीछे का चार्ट, हम वन मंथ का चार्ट देखेंगे। वन मंथ चार्ट में देखिए यहाँ से लेके जब ये 700 के आसपास था, कब 2018 से पहले 2017 के आसपास, तो वहाँ से देखो सीधा रैली हुआ है, कैसे रैली हुआ है। और अभी से लेके अभी तक 5 गुना 6 गुना बन चुका है कम से कम 4 साल में। तो इससे आगे हम यही उम्मीद कर सकते हैं, जो कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट देगा, जो 4391 के आसपास अगर ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ से सुपर ब्रेकआउट मिलेगा उसको, और ये 5000 प्लस टारगेट रहेगा। आराम से आप इसको होल्डिंग करके रखिए। तो यही रहा डीमार्ट चार्ट। डीमार्ट चार्ट का अगर हम फंडामेंटल देखेंगे तो इसका फंडामेंटल हम दिखाते हैं, फंडामेंटल कैसा है। तो देखिए यहाँ 1 ईयर में कम से कम रिटर्न 115% रिटर्न दिया है, 115%। और सी डिटेल इन्फो अगर हम जाए डिटेल इन्फो में, तो यहाँ से हम देख पाएंगे यहाँ से कितना मोमेंट दिया है, यहीं से सब कुछ यहीं पर डाटा मिल जाएगा डीमार्ट कंपनी का। तो अभी देखिए इंट्रेंस वैल्यू बहुत डाउन है, क्योंकि बहुत कंटिन्यूअर। रिटर्न FD रेट बहुत बढ़िया है, डिविडेंड रिटर्न फंड बहुत है, रेड फ्लैग जोन है। और यहाँ से हम 25% एनालाइज बोल रहे हैं इसको बाय करिए, किंतु हम मेरे उम्मीद से ये इसको बाय करना चाहिए ये डीमार्ट कंपनी। तो इसका जो प्रॉफिट फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए 2018, 2019, 2020 और 2021 बहुत बढ़िया प्राइमेंट है, और हर टाइम में ये प्रॉफिट जोन में है। तो यही है टोटल प्रॉफिट जोन, हम इससे फंडामेंटल में ये जो हम देख पा रहे हैं इसको एंट्री करने के लिए सलाह है आपको, और 5000 प्लस के लिए एंट्री करिए। ये रहा डीमार्ट कंपनी का शेयर, यहाँ पर बहुत बढ़िया 52 वीक हाई है। आप अभी से एंट्री में ये बहुत बढ़िया आपको रैली मिलेगा, बहुत शानदार रैली मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।